ये लड़की 25 दिन की छोड़ के रोड को ऊपर सुहा के और 3.5 महीना से आई थी, गोली नींद की गोलियां दे के सुहा के और 11-11, 12-12 बजे तक टाबर और मैं उठता को नहीं, मारने की धमकी दे रहे मेरे बच्चा ने भी जड़ा के गया घर आके कैसा गया राग राग वो घरा भी जाके कुवाड़ा कसी लेके मारण भाग्या भागी तेरी। मेरा बच्चा बहुत ज्यादा परेशान है, रोज की रो मम्मी में बिगड़ के और मैं कुल फाड़ पाऊ बड़े बाकन जाड़ के लिए रोई। इन्फ्यूजन नोट्स पर पाए सभी कॉम्पिटिशन्स एग्जाम के नोट्स, RAS, पटवारी, SI परीक्षा में क्वेश्चन सीधे इन्फ्यूजन नोट्स से पूछे गए। प्रतियोगी परीक्षा के नोट्स लेने के लिए आज ही विजिट करें infusionnotes.com। सगळा दर्शकान राम राम, स्वागत है थारो जलको झुंझुनू का। मेरो नाम है आदर्श और मेरे साथ है कैमरामैन अरविंद। अभी आपा जिला कलेक्ट्रेट के अंदर मौजूद हाँ। अडे केस चल रहे पिछला काफी दिनों जिके अंदर की जो मुकेश ही बापन भी केस की सगली जानकारी देशा के घटनाक्रम हो क्या पूरी घटना घटी तो ये आज बा सारी जानकारी आपा लेशा। बगड़गन सेठा वाली डाणी रतन सर पोस्ट बगड़ा जिलो झुंझुनू है। जो थारी वाइफ ही बाका बारे में बताओ बकड़ेगी। वह बटियाला की डाणी है, मेरी 8 साल हो गई मतलब कोर्ट में शादी कद हुई 2013 में हुई थी, कोर्ट मैरिज करवाई थी। कोर्ट मैरिज करवाने का पीछे कोई कारण हो या फिर नहीं? मेरे से जो मेरे ससुराल कोई जो आदमी ने लेके भेजो भी नहीं कह के भेजो कि मार्गन कुछ ही खान पीन ने कुनी लगाओ ने कुनी, मैं कोर्ट में कर देगा बिगवाद में बंदो मेरी कोर्ट मैरिज करवा ले। मेरा धंधो बहुत बढ़िया 20-30 हजार रुपया कमा रहे हो, मैं 2-3 आदमी काम कर रहा है। बिगवाद में मेरे बच्चों को मेरा सासू ससुर आन जान कर लियो, घर बुलाओ लागा आवे लागा, ससुरालों भी 10 दिन रह के गए, ससुरों भी आके गए बीच में, लेकिन बीच में भी बा खुद कर रही ही न्यू बुला गया पागल है फलाने में इलाज भी करवाए उम्मीद को पड़ो की मतलब मानसिक रूप थोड़ी स्थिति खराब होगी। घर चल जाती 5-5, 6-6 दिन तक घर को नाम लेती है कि मेरे भाई बुला रहे है प्लान बुला रहे है, भाई से बात करती और भाई से बात करती करती है ना चली जाती घर मेरे पीछे से टावरन छोड़ गए। तो थारो जो वैवाहिक जीवन सही कत एक दिना चालो मतलब दड़को हो 12 महीना जड़ तक सही हो भी कबाद का मैंने एबर दो बर एक 2 दिन गई मौसी के जा रही हूँ बुआ के जा रही हूँ 5-10 हजार रुपया लेके चल जाती आ जाती कपड़ा लाऊ और आ जाती इधर तक सही चाल तो रही हो तो भी टाइम कटे घर ही जाती और कटे जाती। अब यो पतो नहीं मेरे साड़ो फोन करतो मेरे साड़ो फोन करने के बाद में जाती बा घर जाती या और कटे जाती बा कहती है मैं मौसी का बुलाई है बुआ का बुलाई है तो मैंने साथ में को लेके जाती। लड़की हुई थी के बाद का मैंने ज्यादा कहानी खराब कर दी कि लड़की 25 दिन की छोड़ के रोड को ऊपर सुहा के और 3.5 महीना से आई थी और जब टाइम में मेरा 79 हजार रुपया काट के लेके गई थी रात को 12 बजे गई थी हम सगड़े सो गए। उसके बाद जाती है गोली नींद की गोलियां दे के सुहा के और 11-11, 12-12 बजे तक टाबर और मैं उठता को नहीं वो मान पाती को नहीं दिन के उठता तो बाद में भी बच्ची को पालन पोषण थे वो पालन पोषण में दूध बकरी के दूध से या टोपा घेर घेर के मुंह में उस हिसाब से भी बच्ची ने पाल लिया। बेरो कद पड़ो की बाजगी है और बच्ची अब रोड पर पड़ी है मैंने उसी दिन बेरो पड़ गो 2 घंटा बाद में दुकान पर फोन कर दियो गाँव वाला कि बच्ची ने सुहा के भागी है मैं दुकान पर गयो और बच्ची ने संभाली तो बच्ची ने पाल ली भी 3.5 महीना तक पुलिस में मैं चक्कर लगा तो रही हो पुलिस आड़ा मन कहता रिया मिल जाएगी आ जाएगी फलान है डिकट है गुमसुदगी दर्ज कर लिया है न्यू है और मन जैसा देता रिया भी पहली भी 7-8 दिन के लिए जाती पर थाने बताएगी जाती हाँ। रिश्तेदार आगन जा रही हूँ और कटे जा रही हूँ अब की बार जब 3.5 महीना के लिए गई जब थान कोई सूचना को नहीं कटे जा रही है। अब 15 मार्च ने मैं काम पर गए मेरे पिछा 53 हजार रुपया 1 महीना पहले काटा मारी तू में बात भी हुई हुई तो बोली मैं कोई ने दे दिया ब्याज में दे दिया कोई ने मैं बोलियो कि मेरे पीछे मैं कुछ धंधो करने के लिए लाया कोई ब्याज में और तू तो दे दिया बिकले मारी तू में हुई ठीक है सगाई बीबी की बच्ची भी जाम ली मैंने कोई तलाक कुंदी है मेरा बच्चा परेशान ही और कोई शादी कर ली है नहीं करी है बीच चीज को भी 3.5 महीना के लिए भागी भी बाद में वापिस आ गई बाद में अब की बरकत दो तीन साल बाद में गई है 3 साल तो डंगू रही है हाँ नहीं मेरे साथ मतलब लड़ाई झगड़ो तो करती रहती लेकिन मैं भी नहीं सोची कि 2-3 बार दवाई दवाई कोई छाना सुना के भी लेके गयो बिका घर का भी बातचीत कराई तो कि मंद बुद्धि यही कारण कर रही है हाँ घर का भी बोला कि लेके चलांगा फड़े फलानी जगह दिखाऊंगा न्यूज कराऊंगा बाबा के लेके चलांगा ऐ की बात मेरे साथ करता रहता ई मेरा सामने बहुत मेरे बुरी कर दी है कि बच्चा ही मेरा 3 और बाद दूसरी बच्ची बड़े जाम ली मारने की धमकी दे रहे मेरे बच्चा ने भी जड़ा के गया घर आके बच्चा जड़ा ही मैं कलेक्टर का भी रिपोर्ट दे दी SP साहब का भी दे दी जड़ायो की हिसाब हूँ समझो कौन मैं तेल गिर दियो बच्चा को ऊपर उबल तो तेल हाँ तेल गरम करके और तेल गिर दियो कैसा गया राग राग वो और मैंने कोई मेरे ऊपर नहीं हो मेरे पड़ोस से बताई कि यह बात है और मैं भी कुछ खेड़े की कोशिश करी तो मेरे मतलब पीछे छुटा लियो और बच्चा से भी पीछे छुटाने के लिए बाढ़ दिया बटने मैं बहुत ज्यादा परेशान हूँ साहब
पुलिस में भी कर लियो, थाना में भी रिपोर्ट दे ली, सगले हट लियो। तीन बार जद लेके आया विन भी के बाद में वापस कहे कि कोई बानो दे के जा को रुपए ही भाग जाता। नहीं, मैंने मेरे से रुपया लेने के लिए और बड़े रुपया दे के मैं कहा भी 50-60 हज़ार रुपया खर्च करके वापिस ले आयो। एक बार चली गई थी उसके बाद में मैं लाने गयो तो मैंने बोली जानू को नहीं भी के बाद में वापिस आगो में कि ठीक है आपने से गई आपन कौन जाना बता। हाँ भी लाल बेरो मैंने बेर लगा में गरा भी जाके वो कुवाड़ा कसी लेके मारण भाग गया और बच्चा ने भी लेके गयो तो बट ने भी काटने की कोशिश करी आओगे तो जान से खत्म कर देगा और या को नहीं जाए। मेरी ने टूम गड़ा दी और जमीन और जगह को लालच दे रहा है और भी मतलब पागलपन को है ना एकदम से वो कर रहा है बेटा मेरे को नहीं आउंड तन कुछ लालच दे रहा है तेरी बेटी बह देंगा नू कर देंगे भी की बाणा ये बात बोल रहे हैं और मैं रखांगा ही नडे यह बात है। मेरा बच्चा रोड पर है और मेरे कोई सारो नहीं मिल रहा मैंने सरकार से कुछ भी कानून से सब मेरा बच्चा ले रही जाओ जड़े या कहेगी आगी तेरी कोई नहीं तेरा बच्चा ने पाल तो पाल दिया ना आश्रम में गाले 8-8 साल 7-7 साल का बच्चा मेरा रात आश्रम में कह छुटा जाये मारपीट भी करी। हाँ मैं 3 बार चढ़ाव बुलाया है और बस दोनों साग आया ही आगे मैंने अकेले बुलावे और कोई गली का मैं ले जाऊंगी तू लेके जा कि तू ले जा इनमें कौन रखू फिर बुला लिया बड़े बुला के मेरे का नहीं दोनों और मतलब मारने कूने की कोशिश करे एक दो सुरान सागे ले हुई वापिस मेरे बिन बिठा के मोटरसाइकिल पर ले जा रहा हूँ देख तेरी छाती पर लेके जा रही हूँ तू रोक ले पलटे के पड़े वो ये बात करे इस प्रशासन के जाओ जनाबा को के खेण हो पुलिस वाला कई 2-3 बार तो पुलिस वाला कहेंगे मेरे को मार्गन थाना में आने की कोई जरूरत को नहीं मार से कोई इलाज को नहीं तेरी लुगाई ने तू डाट मार से कौन डाटी जा बाद में ऊपर और भी एसपी ऑफिस में ज्ञापन दियो या कलेक्ट्रेट साहब ने ज्ञापन दियो। हाँ दे दिया 2-3 बार दे चुके हो कलेक्टर साहब के भी दे दी और बच्चा ने बाल कल्याण में भी लेके गए हूँ बाल कल्याण वाला फोन करो कि बच्चा की वो जड़ गो बहुत ज्यादा भर्ती कराने के लिए तो कोनी करियो भर्ती मैं घर आई कोई छोटी मोटी तेल ताल गेर गार के ठीक करियो डबड़गा बच्चा का बहुत ज्यादा कोई संभाल कौन करी डॉक्टर बोले कि रोज की नुआ और वो दवाई टूब दे दी लेके टूब लगा लेकिन बच्चा का कीड़ा पड़गा कोई सुधार को नहीं हो कहना चाह रहे हो सरकार प्रशासन ने और सरकार ने कलेक्टर साहब ने मैं यह कहना चाहूंगी साहब यह की कानून है कि बच्चा रोड पर है कोई की भी लुगाई है बच्चा ने छोड़ के भाग जाइ और घर छोड़ के भाग जाइ तो बड़को कोई कानून को नहीं कोई भी लेके चल जाओ कोई पागल ले तो बड़का बच्चा क्या कहेगा कह पाड़ा बड्डे बच्चा वे कह पाड़ा बड़को कोई भी समाधान है आगे मेरा बच्चा बहुत ज्यादा परेशान है रोज की रो मम्मी मम्मी करके और मैं कौन पाड़ पाऊ बड्डे बाकन जाड़ के लिए रोई। नमस्कार आदर्श बात कर रहे हो जलको झुंझुनू थारी शादी हो चुकी है हैं हाँ हाँ तो बा आपके गैलड़े पति तो तलाक ही कौन दियो तलाक को ब्याह की लायत हो गए ब्याह की ले हो कोर्ट मैरिज होएडी है सबूत ही आग लगन पूरा कागज ही सबूत मेरे को नहीं भाई कोर्ट मैरिज का पल्ली बाकी होएडी है ना है पास पल्ली बाकी होएडी आजकल दुनिया करे है 3 टावर बा का पल्ली ही एक टावर बा थार सागे भी कर लियो हाँ तो बाद में गैलड़े बच्चा को के दूसरे पक्षों आप बातचीत करी बाको कहना है कि मेरो भी ब्याह हो है बाकी जो भी बातचीत ही बात थे सुनी आगे ही रविंदर जी जो कि मुकेश जी को केस संभाल रही मेरे पास में मुकेश जी जिस दिन 15 मार्च की बात है शायद तो उसके नेक्स्ट 1-2 दिन बाद में ही आ गए थे तब से मैं इसको देख रहा हूँ और हम इस संबंध में एसपी साहब के पास में बगड़ थाना के पास में कलेक्टर साहब के पास में महिला अधिकारिता मतलब झुंझुनू के अंदर जितने भी संबंधित चैनल हैं सबके पास में इनको मैं भेज चुका हूं और पर्सनल खुद भी 1-2 जगह जाके इनकी बात रखी है। संतोषजनक जवाब कौन मिलो कहीं से नहीं मिला साहब कोशिश हुई कलेक्टर साहब ने कोशिश करी थी और हमने तो इनको कहा था और उन्होंने महिला जो ये समाज कल्याण विभाग में उन बच्चों की कस्टडी के लिए उनको लिख दिया था कि ये बंदा नहीं पाल सकता बच्चों को 3 बच्चे हैं बहुत छोटे छोटे हैं और वो उनकी माँ चली गई है तो उनका खाना कौन खिलाए उनकी पढ़ाई का वो पूरी तरीके से सड़क पर आ चुके हैं बच्चे तो उनको देखते हुए कलेक्टर साहब ने और हमने भी यही इनको राय दी थी कि आप इन बच्चों का भविष्य सुधारो इनका वर्तमान सुधारो और इसलिए उनको समाज कल्याण विभाग के थ्रू को कहा गया कलेक्टर साहब ने लिखा भी था। फिर जब ये लोग उसके लिए आगे गए तो जितना वो पहले इंटरेस्ट दिखा रहे थे फिर उन्होंने ही वही कानून लगाने लग गए नियम कि इसमें ये नहीं होगा आप कभी मिल नहीं सकते वो नहीं कर सकते इनको डरा दिया और बेचारों को जबकि ये इनके 3 बच्चे और 80-82 साल के इनके पिताजी हैं सभी 5 लोग जाके आए थे आप लोग जो पूरा केस है इनके अंदर कोर्ट के अंदर थे केस फाइल कर रहा क्यों है जनाब पर कोर्ट फैसलों क्यों कौन सुना रहे हो कोर्ट में तो सब अभी आए हैं
क्योंकि कोर्ट का तो आपको पता है प्रोसेस है कि कोई भी केस जब FIR दर्ज हो जाती है उसके बाद में उसकी इन्वेस्टिगेशन करके पुलिस थाना उसमें FIR या फिर चालान जो भी लेके आएगा फिर कोर्ट उसको आगे देखता है। मुकेश जी के साथ में तो सबसे बड़ा ड्रॉबैक ये है कि इनकी तो आज तक रिपोर्ट ही थाने ने नहीं लिखी और लिखी उसकी FIR चालान कोई मतलब ही नहीं, आज तक किसी भी तरीके का कुछ भी पेश नहीं हुआ है, तक कहीं भी इनकी कोई कार्रवाई नहीं हुई है। जबकि थाने वाले इनको भगा देते हैं कि वो तो हमारे पास भी लिखा पढ़ी करके चली गई है, जबकि किसी भी तरीके आज तक कोई कानून नहीं है कि अगर कोई भी औरत मर्द पहले से शादीशुदा है तो वो बिना तलाक लिए किसी के साथ में जाके शादी ना शादी कर सकता है। वो थाने वाला ये कह रहा है कि थाने वाले कि हमारे पास में लिख के चली गई कि मैं मेरी मर्जी से रह रही हूँ। लेकिन जब से ये लिविंग रिलेशनशिप अपने भारत में लागू हो गया तो सभी बस ये हुआ कि आप बालिग हो, मेरी मर्जी, मैं उसके साथ में रहूँ। हम शिकायत करेंगे, जो भी पीड़ित है वो थाने में जाएगा, पुलिस उसके गेट पर जाएगी, नॉक करके जो भी सामने से चाहे लड़की हो या लड़का जिसके खिलाफ शिकायत है वो कहे साहब मैं मेरी मर्जी से हूँ, देश में लिविंग रिलेशनशिप लागू है, तो साहब पुलिस के पास में कोई चारा नहीं। तो उस कानून की आड़ में अपराधी प्रवृत्ति के जो भी लोग हैं या जो गलत अनैतिक जो भी हैं उनका बोलबाला हो गया और 3 बच्चे हैं, 2 साल 3 साल 4 साल के बच्चे, उनको छोड़ के एक माँ उस कानून की आड़ में कहीं भी जा सकती। बड़ी जो है लिविंग रिलेशनशिप के ऊपर हम इस पर रिट लगाने की भी सोच रहे हैं कि कम से कम लिविन को 497 से अलग रखा जाए। कोई भी बिना शादीशुदा बंदा या बंदी जिसके साथ में अपनी मर्जी से रहना चाहता है वो रहो, लेकिन एक जो विवाह है वैवाहिक संस्था है भारत की सबसे बड़ी, उसको आप इसके अंदर रख के उसको विवाह की संस्था को खत्म कर दिया। बच्चा ही बाकी भी एक जिम्मेदारी होगा, बच्चे की कस्टडी वो कहाँ जाए। अब ये भी बंदा अगर उस छोड़ दे माँ की तरह कि मेरे को उससे मतलब नहीं है तो फिर वो बच्चे कहाँ जाएंगे, जबकि हमेशा से ये माना जाता था कि माँ उनको संभालती है, पिता को इसके लिए सुना भी उसने आज तक यही है कि माँ की जिम्मेदारी बच्चों के लिए सबसे बड़े उनकी है। यहाँ तो 2 साल से मैं देख रहा हूँ पूरा जो मामलो वो थान समझा चुके हैं मुकेश जी, आप बात करी वहाँ वकीलों आप बात करी और दूसरों पक्ष सभी भी आप बात करी, वो कहना है कि बाकी भी शादी हो चुकी है कोर्ट मैरिज, लेकिन अगर बाकी शादी हो जाए जद 494 जो कि IPC की धारा है जी के तहत अगर कोई शादीशुदा पुरुष या महिला दूसरे व्यक्तियों जाके बिना तलाक के शादी कर ले, अभी पर 494 की धारा लागे जी के तहत 7 साल तक की सजा और भी बाकी कोर्ट को ऊपर डिपेंड करे कि साहब वो सजा सुना हुआ, लेकिन पा भी मामला में कोई कार्रवाई को नहीं हो रही है। थान वीडियो की शोक लागू नीचे कमेंट करके जरूर बताओ, जल को झुंझुनू देखता रहो, चैनल सब्सक्राइब करो, थारों को वीडियो नहीं छूटे, इकलेकन जो बेल आइकन है बिन दबाओ। जय हिंद जय झुंझुनू।